हेलो, नमस्कार। मैं अभी अहमदाबाद में हूँ और आप देख सकते हो ये सब बिल्डिंग्स है और अभी भी बन रही है। ये देखिए, मतलब कि जहाँ देखो वहीं पे ऐसी बिल्डिंग बन ही रही है। यानी सरकार को और बिल्डर को किसी की पड़ी नहीं है, यानी कि बेजुबान की पड़ी नहीं है। ना पेड़ पौधों की पड़ी है और ना कोई पशु पक्षी जीव की पड़ी है। इनको बस पैसा ही चाहिए। और जहाँ भी ऐसे बिल्डिंग बनती है उनको बाहर निकाला जाता है। पेड़ काटते हैं तो पंछी नहीं आएंगे, और अगर डॉग्स है, लड्डू है, तो फिर उनको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे? क्या हम इंसान हैं? हम इंसान की तरह नहीं सोचना चाहिए क्या? हमें इसका विरोध नहीं करना चाहिए कि अगर आप बिल्डिंग बनाते हो तो बड़े बड़े पेड़ भी साथ में लगवाओ, क्योंकि पेड़ नहीं लगवाओगे तो पंछी कहाँ से आएंगे? पंछी नहीं आएंगे तो छाए भी हमें नहीं मिलने वाली है। हमें सिर्फ सीमेंट ही चाहिए क्या? ऐसा हमें थोड़ी सोचना चाहिए। तो मैं, आप सब मिलकर, हम सब मिलकर इसका थोड़ा विरोध करें कि भाई इतनी बिल्डिंग बनाते हो, सही बात है, लेकिन थोड़ा आप इन बेजुबानों के लिए भी सोचा करो, क्योंकि इनके लिए ना खाना पीना कुछ नहीं होता है और इनको बाहर निकाल दिया जाता है। अगर इंसान ऐसा सोचता है कि हम यहाँ पे अच्छी तरह जिएंगे, तो ये बहुत मूर्खता भरी बातें सोच रहे हैं। अगर पेड़ पशु पक्षी जीव नहीं रहेंगे तो हमारा भी अस्तित्व एक ना एक दिन ख़त्म होने ही वाला है, और वो भी बुरी तरह ख़त्म होने वाला है। तो प्लीज़ आप सबसे गुजारिश है कि ऐसा कुछ इनके बारे में भी सोचिए और कुछ ना कुछ कीजिए, क्योंकि इनकी भी यहाँ धरती पे बहुत ज़रूरत है। बेजुबान भगवान ने ऐसे ही बनाए नहीं है। तो प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कुछ ना कुछ आइडिया लगाओ इनके बारे में, इन बेजुबानों के बारे में। इनको खाना नहीं मिल रहा है, फ्लैट में रहते हैं तो कोई गाय के लिए भी खाना नहीं दे रहा है, सभी खाना भी कचरे में जाता है। ये अन्नपूर्णा देवी को आप कचरे में डालते हो, फिर आप बताओगे कि हम सुख से चैन से रह पाए? ये कहाँ की बातें सोच रहे हैं? तो आप ना तो कोई इनके लिए, बेजुबानों के लिए कोई खाना देंगे तो क्या आप सुख चैन से रह पाएंगे? कभी नहीं रह पाएंगे। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इन बेजुबानों के बारे में भी सोचिए। आप भले आप 1 करोड़ के बंगले में रहते हो, लेकिन इनके बारे में ज़रूर सोचिए।